हेलो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अभी कॉलेज के अंदर और राइट नाउ मैं अभी अपना सीट नंबर देख रहा था, तो बोर्ड के ऊपर अभी सीट नंबर नहीं लगे। बेसिकली एक सीरियस इशू है क्योंकि 10 मिनट के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, तो सो आई डोंट नो व्हाट आई डू। आई थिंक मुझे डायरेक्ट सर लोग से बात करनी चाहिए कि मेरा सीट नंबर नहीं है, तो क्या करूं भाई। आज पेपर तो है, आज की डेट है, लेकिन व्हाट आई ओके ब्लॉगे बैठना। अभी इतना ऊपर सर से बातचीत करके सब मिला के एक बात पता चली कि लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी, तो इसलिए हम सबको एक स्पेशल हॉल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कौन से हॉल में कितने लोग। मोबाइल मोड़ पड़ा लोग नहीं थे, ये तो क्यों अरे दोन जणांचे पेपर घेतले, त्यात ती पोरगी होती, ती पोरगी रडायला लागली। म्हणे काय झालं ना, इतकं कशाला एवढं टेन्शन घेते, राहिलं राहिलं बॅग। बॅगचं नाही रे, पण ते काय म्हणे माहिती का, ऑल बॅग राहीन म्हणे, पूर्ण बॅग राहणार आहे। हा म्हणजे एवढी मेहनत पाण्यात चालली नाही ती, म्हणजे काय फायदा मग आता पुढे पेपर देऊन। अगर ते भी बॅग राहणार आहे तर हे दोन पेपर कशाला द्यायचे। ते म्हणता त्याच्यामुळे ती म्हणत होती, आता म्हणे आता तुला डायरेक्ट फ्रेशर मध्ये द्यावं लागेल, म्हणजे सहा सेमिस्टर पूर्ण बॅग पूर्ण फ्रेशर मध्ये द्यावं लागेल। थांबेल काय हरकत, कोणती पोरगी बोलली ओके। सो राइट नाउ हमारा साथ है द ग्रेट 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 सर। खाए करते हुए एडिटर नहीं बोलो सकता, आई फटे तो का आई फोन तो अपने जेब में से कौन से वाले अपने चौक में उधर मस्त अपने ए यार ये वाला लाम ना घूमो यार इधर जरा पैसे आप। ओके तो बाकी की बात घर के अंदर। आई डू सब्सक्राइब योर चैनल। तो नमस्ते, अभी देखो जितनी भी स्टोरी हुई जितना भी कुछ हुआ है ना, सारी कहानी मेरी जुबानी सुनाते हैं तुमको। सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले जो है ना हमारा पेपर रस्ते की हमारा देखो हम इज्जत से चिट्स कॉपी कर रहे थे, पेपर लिख रहे थे बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए, और अचानक स्क्वाड आ जाता है पेपर चेक करने के लिए। मैं पेपर लिख रहा हूँ, मेरे बाजू में वो सर आके खड़े रहते हैं और बोलते हुआ क्या। मैं बोले थोड़ा बाकी है, बोले ना बाकी का हम लिखते। तो हुआ हमारे पेपर लिए, शायद हमें रेस्टिकेट किया ऐसा लग रहा था हमें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे ही बाहर आए, मैं मेरा फ्रेंड और एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी सही बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद उस लड़की ने ना मेरे से फ़ोन लिया, फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन किया और सारे सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। एंड देन उसके बाद हमारा दूसरा पेपर था, दूसरे पेपर को भी हमने चिट्स की चिट्ठी कॉपी कर ली, क्योंकि देखो अब रेस्ट टिकट तो हो ही चुके हैं तो दूसरी बार डरना क्या। सही बात है। तो सर हमको देख के बोले शर्म नहीं आती तन्ने, एक बार तुम्हारा पेपर पकड़ा गया तुम दूसरी बार भी चीटिंग कर रहे हो। मैंने बोला सर क्या कर सकते हैं अभी, पास तो होना है। और उसके बाद जैसे हमने आदेश के घर पे गए, उसके बाद हम ओमेंगल के ऊपर बहुत देर तक लगभग 1 घंटे तक हमने स्ट्रीमिंग की, तो उसका वीडियो Part 2 या फिर इसके बाद आएगा, या स्पेशल वीडियो रहेगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और हाँ एक बात और कि मैंने बाद में उस लड़की को सामने से फ़ोन किया ये क्लियर करने के लिए। हेलो हाँ ते पेपर घेतले होते ना आपले, हाँ तर रस्ते घेतले गेला, तर मॅडम बोलत होती नंतर तुमचे पेपर आले होते म्हणे, म्हण ठीक आहे हाँ ते कलेक्ट केले सरांनी मॅडमनी म्हणजे जे भी ते मग मार्क भेटतील का तिथे। हा जेवढे लेवल आहे तेवढे मार्क भेटून जाईल, म्हणजे जेवढे लेवल होते तेवढं। त्यानंतर खाली सोडलं होतं आपल्याला, हा तर मॅडम बरे ते एवढं काही नाही देऊन टाकले, कलेक्ट करून टाकले म्हणजे काही नाही झालं।
फ्रस्ट्रेशन कोण बोलतंय सगळं मी फोन नाही घेतला तो फोन करायला तर मॅडम मी माझ दुसरा पेपर होता ना परत्याक तर मी सरांशी मॅडम बोलला नाही म्हणजे नंतर पेपर देऊन टाकले होते काय नाही झालं थँक्यू देखो आम्ही रस्टिकेट नाही किया पेपर ले लिया तर सही है बात मी दे दिया तब उस लड़की के जान में जाने और मुझे डर लग रहा था बाय गॉड एक याद मत्था ना कर ले इससे रो रही थी सही बता रहा एजुकेशन सिस्टम ना बस नाम के लिए इतना मेंटली टॉर्चर होता है ये सिर्फ हम जानते हैं हम भले ये सब चीज़ों में मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है सो इतना टेंशन मत लिया करो यार अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर You are right, bro. अब हम क्या कर रहे हैं यूट्यूबर तो है चलो फिर लाइक मारो सब्सक्राइब मारो और बस